सूर्य टेम्पल देखने के लिए। यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है, रांची वाली रोड पे ही पड़ती है। तो अपन यहीं से गुजर रहे थे तो ये सूर्य टेम्पल के बारे में बहुत मैंने सुना हुआ है, तो दर्शन करते हुए चलते हैं। और जैसे कि आप पीछे मेरे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे घोड़े के यहाँ पे स्टैचू बने हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। और यहाँ पर वैसे तो फ़िलहाल कोई भीड़ तो नहीं है कि मैं आपको भीड़ दिखा पाऊँ। जो भी है, छोटे मोटे यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने के, या फिर सामग्री जो आप ले सकते हो पूजा का, नारियल वारियल भी है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं कि कितना सुंदर दिखता है ये मंदिर, जो कि देख सकते हो। तो यहाँ पे सूर्य टेंपल बोलते हैं इसको। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पूरे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं। अभी गर्मी का सीज़न है करके यहाँ पे लोग कम आते हैं, फिर भी हम लोग जब से आए हैं कुछ कुछ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और चारों तरफ यहाँ पे देख सकते हो पहाड़ी पहाड़ है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप ठंडी के दिन में आते हो और देखोगे सन पॉइंट को, तो बहुत ही अमेजिंग लगेंगे, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत। फ्रेंड्स चलते हैं अंदर इस और देखते हैं कि लिखा भी हुआ है। तो सूर्यदेव यहाँ पे दिखते हैं और चारों तरफ पहाड़ है, जो कि देखने में बहुत ही सुकून भरा है और बहुत अच्छी हवा चल रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अंदर चलते हैं, ये है मंदिर और देखते हैं। मंदिर में मैंने दर्शन कर लिया है सूर्यदेव का, और दिक्कत ये थी कि मैं अंदर का मैं कुछ भी नहीं दिखा पाया, कुछ भी मैंने कि मैं कोशिश किया था कि अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगा, बट वहाँ अवेलेबल नहीं था कि फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना। फिर भी मैं जैसे 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 भी करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ सूर्य भगवान जी का। तो बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आते हो रांची वाली रोड पे तो ज़रूर यहाँ विजिट करना और यहाँ का माहौल देखना। फिलहाल गर्मी है करके यहाँ पे थोड़ी भीड़ कम है, और जस्ट मेरे पीछे है मंदिर, जो कि मैं दर्शन ऑलरेडी कर चुका हूँ। लेकिन अगर आप वीडियो बनाने के नाम से या फ़ोटो खींचने के नाम से आते हो तो आप नहीं कर पाओगे, बट आप बाहर से ले सकते हो, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हो मंदिर। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और इसी तरह सजेशन देते रहिए कि किस तरह से व्लॉग बनाना है। और एरिया चारों तरफ देख सकते हो, चारों तरफ पहाड़ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं।